का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और मेरे साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री लखविंदर सिंह जी हैं और हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री परमिंदर सिंह जी हैं, जिनके साथ में सभी लोग आज जुड़ करके आपके इस पर्टिकुलर चैनल के माध्यम से हम सरकार की आंखें खोलना चाहते हैं और सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर पीसीपीएल मुद्दे से रिलेटेड आपने कोई भी अहम कदम नहीं उठाया तो भारतीय किसान यूनियन भानु 20 से 25 दिन के अंदर समस्त जितने भी प्रशासन अधिकारी हैं उनका घेराव और धरना देगा। पीसीपीएल फैक्ट्री में जो केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है उसके द्वारा, और जिसकी वजह से टिब्बर नाले से होता हुआ वो गग्गर नदी में मिल रहा है और गग्गर नदी के आसपास के जितने भी खेत हैं उन सभी खेतों की जो पैदावार घट रही है, किसानों के लिए प्रॉब्लम हो रही है, उनकी ज़मीनें ख़राब हो रही हैं और साथ में जो मवेशी हैं, जो जानवर हैं जो वहाँ से पानी पीते हैं, उन सभी के साथ में जो हेल्थ हजार्डस इशूज़ आ रहे हैं, ये सब चीज़ों को अगर लेकर के मद्देनज़र देकर लेकर के अगर हमारी सरकार ने किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठाया, प्रशासन ने इसके ऊपर रोक नहीं लगाई, तो हम 20 से 25 दिन के बाद यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। ये जो फैक्ट्री है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये क्रॉप फर्टिलाइज़र्स बनाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ होता है। जब आप फैक्ट्री के अंदर उसको यूज़ करते हैं, पानी की कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं और पानी से यूज़ करने के बाद जो केमिकल युक्त पानी है वो आप छोड़ते हो, जब आप वो छोड़ोगे तो वो जाएगा कहाँ? सबसे पहला सवाल तो ये है, वो जाएगा आपके नालों में, वो आपके नदियों में और वो नदियों से सटे हुए जितने भी एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, और जो उसका इफ़ेक्ट है, सबसे पहले तो आप इफ़ेक्ट समझो कि इसका इफ़ेक्ट क्या है। आपके जनरल पब्लिक की हेल्थ तो ख़राब हो ही रही है, पॉल्यूशन का भी सबसे बड़ा नुकसान है और जिसकी वजह से कैंसर हो गया या इससे ज़्यादा बड़ी खतरनाक जो लाइलाज बीमारियाँ हैं वो पैदा कर रहे हो आप, तो आप एक ऐसी फैक्ट्री को चलने दे रहे हो तो ये तो सबसे बड़ी आपकी कमी है, प्रशासन की कमी है। सरकार हो रही है अभी कहना सेहत के ऊपर कहना, जब ग्राउंड वाटर सारा के ऊपर बनी थी विशेष होता अच्छी करेंगे, लेकिन ये इसको इस मुद्दे पे कोई बात नहीं हुई उनसे। सर मुद्दे पे बात करने के लिए देखो सबसे पहली बात है कि सरकार आजकल बहुत ज़्यादा बहुत सारे कामों में बिजी है, तो ये छोटे छोटे मुद्दे उनके लिए कहाँ है? जब यहाँ पर महामारी फैल जाएगी तब उनके कानों में जू रहेंगेगी, तब उनको पता लगेगा कि प्रशासन का कितना पैसा लग जाता है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, लोगों की हेल्थ इतनी ख़राब हो रही है। तो अगर आप इस टाइप की फैक्ट्रीज़ को इजाज़त दोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि आप अपने प्रदेश के लोगों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। प्रशासन से आपने बात की है, लेटर वगैरह डाली है प्रशासन से? अभी तो आरटीआई लगाई है, आरटीआई का रिप्लाई भी है। देखो ये चिकी है, मैं तुम्हें दसा जी। सबसे पहले तो आप इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि आपने एक सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है, परंतु मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार की नॉलेज में लेके आने का जिम्मा सिर्फ एक आम आदमी का ही है? क्या सरकार की नज़रों में जो सरकार को जीएसटी दे रहा है, जो सरकार के साथ में बैठ करके काम कर रहा है, जो अपना बिजनेस चला रहा है, क्या ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं क्या काम करूँ? क्या ये प्रशासन की जो ड्यूटी है उसको काम करने का जो तरीका है क्या वो बताने का जिम्मा भी एक आम आदमी का है? क्या जब प्रशासन की नज़रों में ये सारे काम चल रहे हैं तो क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि आरटीआई लगने के बावजूद और इतने सालों से ये सब चीज़ें चलने के बावजूद भी आज हमारे को मुहिम चलाने की क्या ज़रूरत पड़ी है? आज हमारे को मुहिम चलाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि सरकार ने अभी तक कोई काम नहीं किया इसके ऊपर। मिली भगत लग रही है, हो सकता है मिली भगत हो, लेकिन हम आज की डेट में जो आम आदमी पार्टी यहाँ पर बैठी हुई है, जो श्री भगवंत मान सिंह साहब बैठे हुए हैं हमारे मुख्यमंत्री साहब, मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा और साथ में उन्हें सचेत भी करना चाहूँगा। जो हमारे अध्यक्ष साहब ने कहा है बिल्कुल सही कहा है कि अगर 20 से 25 दिन के अंदर हम आपको मैसेज भी दे रहे हैं, ये वर्बल भी है, आपको लेटर चाहिए लेटर भी मिलेगा, लेकिन 20 से 25 दिन के अंदर अगर हमारे को कोई कॉन्क्रीट आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला या आपका कोई कथन ऐसे नहीं मिले या आपका कोई भी कार्य ऐसा नहीं मिला जिसमें आपने प्रशासन को जो निजी जो वहाँ का लोकल प्रशासन है उसको कोई आदेश नहीं दिया जिससे कि किसानों को आश्वासन हो कि उनकी जगह उनका पानी उनका वातावरण खराब नहीं होगा, तो हम यहाँ पर 20 से 25 दिन के बाद में पूरा भारतीय किसान यूनियन भानु
पूरा का पूरा जो संगठन है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेगा। ये हम आपके मेरा कहने का मतलब आपको पूरा अल्टीमेटम इसके माध्यम भी दे रहे हैं और साथ में एक रिटर्न में हमारे लेटर हेड पे, अध्यक्ष साहब के लेटर हेड पे, हमारे लेटर हेड पर वो बिल्कुल एक एडवांस प्री एडवांस इंटीमेशन जाएगी वहाँ पर। अगर हमारे पास में 20 से 25 दिन में यहाँ पर कोई भी कार्यवाही होती भी नहीं पाई गई तो आप ये समझ लें कि यहाँ पर एक मेजर धरना प्रदर्शन होने वाला है। बस धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन बानू तो पंजाब अध्यक्ष, देखो जो इस टाइम हालात चल रहे ने पंजाब दे, हालात ने कि हर पासे जिहड़ी महामारी छाई हुई है, चाहे वह पानी नू लैके आ, चाहे वह नशे नू लैके आ, चाहे वह बीमारी नू लैके आ, चाहे वह एजुकेशन नू लैके आ, बई असी सोचिया नहीं सी पंजाब वासियां ने कि बई इन्नी ज़्यादा नखिद सरकार सानू मिलेगी जो मिली है। मैं आस करदा हां तुहाडे माध्यम राही कि जो साढ़े पंजाब दे मुख्यमंत्री साहब भगवंत मान जी ने कहा कि एक एक बकरी का भी हिसाब मिलेगा, पर जो हालात साढ़े पंजाब दे बने पए ने हड़ां दे कारण वो हजे तक किसे साढ़े किसे मंत्री ने या मुख्यमंत्री साहब ने उदा कोई वधिया टिपिकल जवाब नहीं दिता। पर जिहड़ी हालात जो असी अज दी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिहड़ा कैमिकल करके साढ़े पंजाब दा पानी दे साढ़े पशु मर रहे ने, जिहड़ा कई सालों तो कई वरिया तो चल रहा, पर जो साढ़े हुण साढ़े सामने आया भारतीय किसान यूनियन बानू दे, जिस दे उपर असी पूरे पंजाब च जंग लड़ांगे, जिहड़ियां फैक्ट्रियां दा कैमिकल जिहड़ियां बनांदियां ने, जिन्हां दा पानी साढ़े शरीर नूं खराब करूगा, साड़ी फसल नूं खराब करूगा, तो असी उन्हां नूं रहन नहीं देवांगे पंजाब च। इस करके असी एक अज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लुधियाने च, साढ़े जतिन जी आए ने इन्हां दे माध्यम नाल, प्रेस दे माध्यम नाल असी सरकार नूं हलाना चाहते हैं, एक अल्टीमेटम देना चाहते हैं 20 से 25 दिनों दे विच इहदा कोई ना कोई सानू जवाब वधिया दिता जाए, नहीं तो इहदे हालात पंजाब दे ਹੋਰ ਬੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਭ RTI ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਟਰਾਂ ਗਈਆਂ ਵਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਤਿਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਨ ਯੋਗ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ DC ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ RTI ਥਰੂ ਇਹਦੋਂ ਲੈਟਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। RTI ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਉਸਕਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਆਪਕੋ।